मतलब ईयर रिंग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एक दूसरा भी दिखाता हूँ बीच के बाद, ये वाला तो आपने देख लिया, ये मेन है। एक और ये खड़ा हो गया, रावण तार अड़ रही थी थोड़ी सी, और ये देख चेस्ट बना रखी है, पेट बना रखा है, तोंद थी, ये भी अच्छा लग रहा है। रावण है ये 10 ब्लॉक का, एक ये भी, एक जो रामलीला ग्राउंड वाला वो है, और दूसरा ये वाला, ये दोनों फेमस रावण है हमारे एरिया के आसपास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कुणाल एंड यू आर वाचिंग KM09 व्लॉग। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। आज दशहरा है तो अभी मैं राहुल के पास जा रहा हूँ। अपने एरिया में जितने भी हमारे आसपास रावण लगे हैं, एक सुभाष नगर में मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कल, आप इंस्टाग्राम का यूजर नेम मेरा ऑन स्क्रीन देख सकते हैं एंड मुझे फॉलो कीजिए। प्लान थोड़ा चेंज हो गया, राहुल कह रहा है स्कूटी पे या गाड़ी नहीं लेके जा रहे, गलियाँ पतली पतली हैं तो स्कूटी पे जा रहे हैं अभी, इस पे जुपिटर पे। तो अभी चलते हैं, राहुल को पिकअप करते हैं जल्दी, वहीं से कंटिन्यू। तो ये राहुल आ गया मेरे साथ, गाड़ी का प्लान था, भाई ने कहा कि स्कूटी पे आ, जरा पतली पतली गली है। राहुल अपने चैनल का नाम बोले यार। भाई मेरे चैनल का नाम है राहुल मेहरा व्लॉग। राहुल मेहरा व्लॉग, तो इसको ये बहुत शौक है, पहले रावण बनाता था राहुल, मैं भी इसके साथ, हमने भी जब छोटे छोटे थे हमने बहुत रावण बनाए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर के पास, हमारे सरस्वती गार्डन पार्क है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सारी जगह देख रहे हैं ना, भी आप खाली शाम को इतना ज़्यादा क्राउड होगा कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। देखना इस जगह पे सारा ऐसे पूरा पैकअप होगा, इवन यहाँ पे सामने स्टॉल्स लग जाएंगे खाने पीने के भी, अभी बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा शाम को, तो मतलब इतनी आगे तक भी आके शॉट ले नहीं पाएंगे हम वीडियो का। तो अभी यही है कि पॉसिबल खाली जगह, अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, एक तो व्यू भी अच्छा आ जाएगा प्लस खाली है, अच्छे से मतलब पास से जाके हम शॉट ले सकते हैं रावण के। तो अब दूसरी जगह चलते हैं जल्दी। हम सुभाष नगर आ गए हैं ना, सुभाष नगर में मेन जो रावण है, एक तो हमने रात को इंस्टा पे स्टोरी अपलोड करी थी, उसमें लाइट्स लगी हुई हैं, और एक यहाँ पे भी, इसमें भी लाइट्स लगी होती हैं, बट अभी देखते हैं। अगर रात को खड़ा हो रहा था, ये खड़ा हो गया होगा होपफुली, सामने जाके देखते हैं। ये रहा, ये रावण है बहुत बढ़िया, ये रहा ये वाला, इसमें रात का भी इसमें शॉट डालूंगा, इसके अंदर भी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, एंड यू कैन सी इसकी एम्ब्रॉयडरी देखो, इसके मतलब जो नीचे है इसको हम घघरा बोलते हैं, और इसकी चेस्ट वगैरह पे एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी मतलब हो रखी है। और थोड़ा सा पास लेता हूँ, इसकी बियर्ड भी बहुत अच्छे से बनाई हुई है, और इसके साइड पे ना छोटे छोटे से, ये कुछ जैसे हम वेडिंग्स में देखते हैं ना अनार टाइप जलता है, जैसे वो बटन दबाने से, ऐसे ही कुछ रात को जब ये जलेगा ना बहुत प्यारा लगता है ये। तो इसका ईयर रिंग्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और एक दूसरा भी दिखाता हूँ बीच के बाद, ये वाला तो आपने देख लिया, ये मेन है, एक और इस तरह बहुत प्यारा बना, वो भी दिखाता हूँ। ये रजौरी और सुभाष नगर के बीच का एरिया है, सूर्य ग्रैंड होटल है यहाँ पे, और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो ये वाला एरिया है, और ये बिल्डिंग आप देख लिया, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसके पास लगता है फेमस एरिया ये वाला, और यहाँ पे रावण, यहाँ का रावण भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छे से मतलब जलता है, बहुत अच्छे इसके अंदर बम वगैरह लगाए होते हैं, तो सी बहुत अच्छा मतलब बना रखा है, एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल यू कैन सी। मेरे को लगा सिर्फ हमारे को ही क्रेज था यार, लेकिन देखो मैंने बहुत सारे देख रहा हूँ, बड़े बड़े लोग, फैमिलीज, बच्चे सब आए हुए हैं, नॉट इवन बच्चे की बड़े लोग भी आए हुए, सारे अपने फ़ोन से वीडियोस बना रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे और भी। तो ये रास्ते में जाते जाते एक रावण अभी जस्ट ये खड़ा हो रहा है, मेहनत लगे कर रहे हैं बंदे। रामलीला भी बहुत अच्छी होती है, और जगह स्क्रीन चलती है यहाँ पे लाइव में करेक्टर बन के, जैसे बच्चे बड़े जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ पे अब लाइव में, आई मीन की रामलीला होती है। ये रहा, और ये रहा मेन जो रावण है। राहुल अंदर चलते हैं, यहीं पे स्कूटर पार्क कर देता हूँ साइड पे, हैं आपको लेना को इधर ही लगा रहे थे ना, यहाँ से चल लेते हैं, फ्रंट फ्रंट है, चल फ्रंट पे चल लेते हैं आ जा। ये दोनों साइड पार्क हैं, बीच में भी एक पार्क है गोल चक्कर, तो एक तो बढ़िया एरिया ये, रात को देखना 7 बजे के करीब यहाँ पे भी बिल्कुल सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा दूर दूर से लोग यहाँ पे रावण देखने आते हैं। और ये वाला रावण सबसे बढ़िया है, इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसकी जो फिनिशिंग है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हो रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये सही टाइम पे आए, हमने रात को कल शॉट लिया था, अभी जितना पास जाके ले सकते हैं, शाम को तो मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे आने का। सी कितना अच्छा लग रहा है एम्ब्रॉयडरी इस पर, जो वर्क हुआ वो फिनिशिंग यहाँ पे, ये अपना खरीद के लाते हैं, अपने बनाते हैं, इनके अपने कुछ वर्कर्स हैं जो हायर करते हैं रावण बनाने के लिए,
मैं भाई अभी ये GoPro से शूट कर रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ और ज़्यादा दूर से जितना अच्छे से अच्छा शॉट आ सकता है दिखाता हूँ मैं। बहुत प्यारा लग रहा है, आई थिंक 70-75 फिट के अराउंड होगा ये। राहुल 70 फिट के अराउंड है, कितना भाई हाइट इसकी? 70-75 फिट के अराउंड है। और ये राहुल भाई भी अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। राहुल इसमें भी बम लगा रहे हैं, अभी बम लगा रहे हैं, अभी भी बम लग रहे हैं इसमें भाई। ये रावण कुछ कुछ तो खड़े हो गए, लेकिन कुछ जगह अभी भी खड़े कर रहे हैं रावण। देखो ये वाला रावण अभी जस्ट रेडी है, पूरा इसको टाई कर दिया ऊपर अलग अलग पार्ट से। थोड़ी थोड़ी राहुल के बीच में भाई था कि राहुल भी लगा हुआ भाई, दोनों भाई इकट्ठे व्लॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा कोई बात नहीं, दोनों को व्लॉगिंग करनी है। ये वाला रावण एक देख सकते हैं आप, और एक ऊपर राहुल, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था हमने रावण यार। ये रावण भी बहुत प्यारा लग रहा है इस लाइन में। आई थिंक हमें अभी 6 रावण तो देख ही लिए लगभग, और आगे जाके देखते हैं और भी शायद होंगे। एक ये रावण देखिए, ये भी बहुत अच्छी फिनिशिंग में बना हुआ है, लेकिन जो मेन सुभाष नगर मेन मार्केट का ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है अभी तक। और ये देखिए एक ये रावण खड़ा हो रहा है। राहुल जा, राहुल हेल्प कर जा, आ जा, हाँ ले ली मेरे पास है। और ये रावण खड़ा हो रहा है अभी, बड़ा ध्यान से खड़ा करना पड़ता है, ये गाड़ी हट जाए तो बेटर रहेगा, गाड़ी के ऊपर गिरने का डर रहता है कभी कभी। जय श्री राम। ये खड़ा हो गया रावण, तार अड़ रही थी थोड़ी सी और ये हल्का सा हाथ टेढ़ा रह गया, बट कोई नहीं। जय श्री राम। थोड़ा सा हाथ का इशू रह गया, बट कोई नहीं। मेन जो रावण था ना, दिशहरा ग्राउंड सुभाष नगर का मेन गोल चक्कर के पास, यहाँ राजमा चावल मिलते हैं बहुत स्वाद। तो आए थे राहुल और मैं, भूख लगी है, रावण यहाँ पे अपने राजमा चावल खाएंगे अभी। राहुल ले एक प्लेट ले यार, चावल आ गए हैं, राहुल कड़ी चावल का वेट कर रहा है अभी, तो खाओ अब। लहसुन प्याज खा सकते हैं, नवरात्र ख़त्म है, यहाँ के बहुत स्वाद होते हैं, जल्दी जल्दी यहाँ पे खा के इसके बाद अपने एरिया की तरफ निकलते हैं। लिए अब आ गए हैं कड़ी चावल, ये खा के आगे निकलते हैं। इसके बाद कहाँ निकलने का प्लान है? निकलते हैं भाई कहीं ना कहीं। अभी पहले 10 ब्लॉक 10 ब्लॉक चलते हैं सुभाष नगर, पेट पूजा भी ज़रूरी है। यहाँ पे खाते हैं बहुत अच्छे राजमा चावल और कड़ी चावल मिलते हैं, मेन चौक है ये रहा, यहाँ पे रावण और इसके पास ही आगे ये 10 ब्लॉक सुभाष नगर की तरफ जा रहे हैं। एक केरा रावण देखिए, एक आगे की तरफ है और इसके आगे जाके गोल चक्कर की साइड पे सुना है कि बहुत अच्छा रावण लगता है, बाकी वहाँ जाके देखते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है छोटा सा रावण, थोड़ा इसके हाथ में देखने अच्छा लग रहा है, वो लाइट्स लगी हुई हैं, वो कल के जैसे कुछ बना रखा, बहुत अच्छा लग रहा है। चक्कर में मेन दूसरा गोल चक्कर है ये, तो ये तो धोती वाला, अच्छा ये वाला रावण लगा है यहाँ पे। ये कुछ अलग टाइप से रावण बनाया अब की बार इन्होंने, नीचे धोती सी बनाई हुई है और ऊपर पेट जैसे, ये देखिए बिल्कुल अलग अभी तक का सबसे डिफरेंट रावण है ये वाला। और ये देखिए चेस्ट बना रखी है, पेट बना रखा है, तोंद सी, ये भी अच्छा लग रहा है, छोटा सा क्यूट सा रावण। रावण भी बड़ा यूनिक था बनाया, ये भी अच्छा लग रहा है। राहुल हाथ में दारू का गिलास पकड़ाया हुआ क्या? ये भी यूनिक रावण है भाई, बिल्कुल डिफरेंट सा ही बनाया हुआ इसको, तो डेंजर एकदम। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है रावण, फ्रंट से दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं थोड़ी देर बाद आना, कुछ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ डमीज लगाएंगे ऐसे उड़ती हुई, डेंजर पूरा बनाएंगे अभी। तो ये फ्रंट से देख लीजिए रावण, ये वाला, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है क्रीम कलर का, और इसके भी आगे से वर्क बहुत अच्छा हुआ हुआ इसके आगे भी। ब्लॉक का फेमस रावण है, जो लोग रहते हैं यहाँ पे और जो लोग जानते हैं मतलब यहाँ पे, जो फेमस रावण है ये 10 ब्लॉक का, एक ये भी, एक जो रामलीला ग्राउंड वाला वो है और दूसरा ये वाला, ये दोनों फेमस रावण है हमारे एरिया के आसपास, सब रजौरी गार्डन, सुभाष नगर, रमेश नगर, कीर्ति नगर के सबसे फेमस रावण है ये। तो इसके पीछे ये भी अच्छा लग रहा है, डेंजर लग रहा है रावण, बहुत डिफरेंट यूनिक रावण है ये भी एक तरह से, देखिए आप
उधर देखना, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अरे इसकी ड्रेस भी बहुत अच्छी बना रखी है इसकी। हाथ में इसके कुछ डिफरेंट सा वो गंडासा टाइप की चीज़ पकड़ा रखी है इसको, पता नहीं मुझे सही से पता नहीं क्या बोलते हैं, बट ये अच्छा लग रहा है। ऊपर इसके सिंग लगाया हूँ मैं, दाढ़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये जैसे इसके पीछे है जो बड़ा रावण है, इसके बैक साइड पे कैम्ब्रिज, ये है कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल का ग्राउंड। ये आपका रजौरी गार्डन में जो स्कूल है, तो रजौरी गार्डन ही पड़ता है, टैगोर गार्डन रजौरी के बीच में पड़ता है ये, रजौरी गार्डन का कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल के सामने। और ये आपके लगे हैं यहाँ पे भी तीन रावण, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये भी, और मतलब बहुत अच्छे से लग रहा है कि यार शाम को जैसे जब ये जब टाइम होगा इनको जलाने का, आराम से सारे बैठ के सीट्स वगैरह यहाँ लगा रखी हैं, अच्छा सा प्रोग्राम होगा यहाँ पे, स्टेज भी है। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे आके, मतलब घूमता तो रहा था, मुझे यहाँ का आइडिया नहीं था, बट यार अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। तीन रोड है जो फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, सारे रावण यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, छोटे छोटे रावण आगे दिखाते हैं, कुछ कुछ बचे हैं, बाकी सारे यहाँ पे अब तक सेल हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली आज दशहरा है, कल रात को सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, सब परचेज करके मामला कर। राहुल ये छोटे छोटे एक पड़ा, ये अभी जा रहा है, अभी बिका है रावण ये वाला, ये लास्ट लास्ट है, लास्ट बचा हुआ है। और एक ये रावण हमारा रमेश नगर का है, ये रावण के अंदर से इन्होंने एक मतलब रावण के अंदर से एक छोटा रावण निकाला हुआ है, अच्छा लग रहा है। ये भी अभी तक का बिल्कुल अलग सा कंसेप्ट से बनाया है इन्होंने रावण, अच्छा लग रहा है बहुत। सो गाइस अभी आपने देखा जैसे पूरे रमेश नगर सुभाष नगर के सारे रावण आपने देखे, तो मैं अभी घर पे आ गया था, मुझे एक दो काम भी हैं और वीडियो भी एडिट करना है, आज का टाइम है, उसके बाद फिर ऑफिस जाना है। तो अभी मेरा कोशिश यही है कि मैं भी वीडियो करके एडिट करके और अभी अपलोड कर दूँ। एंड आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने आस पास रखें सफाई, एनिमल्स को फीड करते रहें, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।